बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। हाल के दिनों में हुए हिंसा को लेकर बजरंग दल द्वारा शहर में जुलूस निकाला गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री केशव चंद्र राय, बजरंग दल जिला संयोजक मुकेश सिंह ने कहा कि पिछले कुछ समय से देश भर में इस्लामिक जिहादी कट्टरता बढ़ती जा रही है और मंदिर सहित रामनवमी जुलूस पर पथराव करने और हाल के दिनों में रांची सहित कई शहरों पर नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल के बयान को लेकर शुक्रवार को नमाज के बाद मस्जिदों से हमले और कई मंदिरों पर पथराव करने और जिन मस्जिदों से उन्मादी भीड़ निकलकर मंदिर सहित कई जगहों पर पत्थरबाजी करने को लेकर सरकार को कठोर कार्रवाई करने को लेकर आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मौके पर केशव चंद्र राय, मुकेश सिंह, मुरली मनोहर मिश्र, रविंद्र कुमार सिंह, धर्मू गोप, विकास सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। आज उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन हम लोग सौंपे। पूरे देश में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, चूंकि देश में जो आताताई आतंकवादी जिहादी हैं, जो हमारे हिंदुओं का मठ मंदिर और बहुत जगह हमला किया गया, इसका विरोध में पूरे देश में आज ज्ञापन सौंपा गया। आज संपूर्ण पूरे भारतवर्ष में बजरंग दल के तत्वाधान पर जो देश भर में आतंकवादी जिहादी कट्टरपंथियों के द्वारा जो पूरे देश भर में विरोध करने का कार्य, संपूर्ण हिंदू समाज की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य, मठ मंदिरों को तोड़ने का कार्य, देश भर राज्यों में पत्थरबाजी का जो कार्य किया जा रहा है, हम लोग संपूर्ण भारतवर्ष के कार्यकर्ता इसके लिए हम लोग विरोध के लिए उतर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग का मांग यही है कि पूरे देश भर में जहां मस्जिदें हैं, मस्जिदों का जांच हो। उसके साथ साथ जो देश भर में देश के कानून को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, लोकतंत्र को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो और जो पत्थरबाज है उस पर भी प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे, अन्यथा बजरंग दल पूरे होशो हवासों में पूरे भारतवर्ष में संपूर्ण भारत बंद का आह्वान करेगा, पूरे भारतवर्ष में आंदोलन करेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।